मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्
चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिन्हें कछु न चाहिए सो शाहन पतिशाह। जिन महापुरुषों के लौकिक सुख की चाह समाप्त हो जाती है, उनकी चिंताएं भी स्वतः चली जाती हैं और मन बिना किसी परवाह के शांति से भर जाता है। और जिन्हें कुछ नहीं चाहिए वही तो सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। ऐसा ही मंगल संदेश हमारी आज की कथा से मिलता है। यह कहानी दो विरागी भाइयों की है जो संसार से विरक्त होकर सच्चे सुख की तलाश में निकल पड़े थे, परंतु दो सहोदरों की सुख प्राप्ति की राह अलग अलग थी। एक मिथ्या मार्ग की ओर चल पड़े और एक मोक्ष मार्ग की ओर। जो परमवीर थे उन्हें तो मुनिपद सुखरूप था और कायर को मिथ्यात्ववश जैन मुनि का पद कठिन दुखदाता भासित होता है। तो चलिए पुण्यधरा उज्जैनी नगरी में, जहाँ के राजा सिंह अपने पुत्र सिंहल तथा दत्तक पुत्र मुंज के साथ सुखपूर्वक राज्य करते थे। एक दिवस मेघपटल के परिवर्तन को देखकर राजा सिंह के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तथा राजा सिंह ने अपने पुत्रों को राज्य भार सौंपकर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। कुछ समय व्यतीत होने पर सिंहल को दो पुत्र हुए जिनके नाम शुभचंद्र एवं भर्तहरि थे। शुभ एवं हरि को अपने ज्येष्ठ पिता श्री राजा मुंज से अत्यधिक प्रेम था। राजा मुंज भी दोनों ही पुत्रों से अधिक प्रेम करते थे, परंतु एक दिन शुभ और हरि के बल पराक्रम को अपने पुत्र से अधिक जानकर राजा मुंज को उनसे ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और राज्य लिप्सा के कारण उनके मन में कुटिलता आ गई। तो चलिए देखते हैं दो भाई शुभचंद्र और भर्तहरि का यह मार्मिक प्रसंग। मंत्रीवर, हम वास्तव में अत्यधिक पुण्यशाली हैं कि हमारे एक से बढ़कर एक तीन तीन वीर पुत्र हैं, शीलवती रानियां हैं, सुख संपन्न प्रजा एवं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से महापंडितों को भी परास्त करने वाले अति बुद्धिमान स्वयं आप मेरे राज्य के मंत्री हैं। सत्य है महाराज, जिस प्रकार ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्र की उपस्थिति को किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार आपके कथन को असत्य कैसे कहा जा सकता है। और आपके दोनों ज्येष्ठ पुत्रों की वीरता का तो मैं स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं। कैसी वीरता, स्पष्ट बताएं मंत्रीवर। महाराज, एक बार मैं राज उद्यान के सामने से जा रहा था, तभी मैंने देखा कि तीनों युवराज उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे। तो आपके दोनों ज्येष्ठ पुत्र शुभ और हरि ने क्रीड़ा में लोहे के स्तंभों को गन्ने की भांति मोड़ दिया। यह दृश्य देखकर मैं तो चकित रह गया महाराज। सच मंत्री जी, ये तो हर्ष की बात है, पर राजपुत्रों का वीरता संयुक्त होना यह तो कोई आश्चर्य नहीं, यह तो उन्हें विरासत में ही मिलती है, जैसे परंपरा अनुसार आपको और हमें प्राप्त हुई है। फिर भी राजन, आपके छोटे पुत्र की अपेक्षा शुभ और हरि अत्यधिक बुद्धिशाली है। मैं उनमें एक वीर योद्धा और हमारे राज्य का भावी सम्राट देखता हूं। ठीक है मंत्रीवर, अभी इस बारे में विचार करना व्यर्थ है, क्योंकि अभी तो युवराजों को अपनी शिक्षा पूर्ण करना है। समय आने पर विचार किया जाएगा कि कौन राज्य संभालने योग्य है और कौन अयोग्य। अभी हमें एकांत चाहिए। हुँ।
मेरे दोनों पुत्र परम पराक्रमी तेजस्वी और शूरवीर हैं। इन दोनों की अपेक्षा मेरा सबसे छोटा पुत्र निर्बल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों अपने बल से मेरे छोटे पुत्र को परास्त करके उससे उसका राज्य छीन ले। अरे अरे अरे, ये मैं कैसी बातें सोचने लगा हूं। शुभचंद्र और हरि भले ही बलशाली हैं, पर वे सदाचारी और आज्ञाकारी हैं। वे सहर्ष ही मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मैं तो अपने छोटे पुत्र और उसकी मां से अत्यधिक प्रेम करता हूं। अगर मैंने छोटे पुत्र को राज नहीं दिया तो छोटी रानी उससे अवश्य ही रुष्ट हो जाएगी और कहीं क्रोध आवेग में मेरा त्याग न कर दे। अरे ये मैं कैसी दुविधा में पड़ गया हूं। एक ओर कर्तव्य और राजहित है तो दूसरी ओर मेरा पुत्र और स्त्री का राग। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी भी कीमत पर रानी को रुष्ट नहीं कर सकता। कहीं मेरे दोनों पुत्रों का अस्तित्व भविष्य में मेरी इच्छा पूर्ति में बाधक न बन जाए। मुझे कुछ ना कुछ तो अवश्य ही करना होगा, अवश्य करना होगा। प्रणाम पिताजी महाराज। हाँ, प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। पिताजी, मैंने सदैव आपके मुखमंडल पर सूर्य रश्मि की आभा व आपके चित्त में चंद्र के समान शांति का अनुभव किया है, परंतु यह क्या, आज आपके मस्तक पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट प्रतीत हो रही हैं। क्या बात है पिताजी? हाँ पिताश्री, भ्राता सत्य कह रहे हैं। क्या चिंताएं हैं हमें भी बताइए, अवश्य ही हम आपको निश्चिंत करेंगे। पिताजी आप चिंता ना करो, क्या बात है हमें बताओ। नहीं नहीं युवराज, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। राज्य कार्य का भार अधिक होने से हम थोड़े असहज हैं, बस और कुछ नहीं। और जिसके आप जैसे शूरवीर पुत्र हो उसे कैसी चिंता। पुत्र शुभचंद्र, पुत्र हरि, अपने अपने कक्ष में जाओ। बेटा तुम भी अपने कक्ष में जाओ। जी पिताजी, जो आज्ञा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। जी पिताश्री, जो आज्ञा। कोई है? जो आज्ञा महाराज। मंत्री जी को बुलाया जाए। जैसी आपकी आज्ञा। महाराज, दिन प्रतिदिन राज्य का भार बढ़ता ही जा रहा है। अब समय आ गया है कि राज्य के युवराज की घोषणा कर दी जाए। परंतु मंत्रीवर, हम युवराज तो हमारे सबसे छोटे पुत्र को बनाना चाहते हैं और अभी इस पद के योग्य होने में कुछ और समय लगेगा। नहीं महाराज, युवराज पद के योग्य तो शुभचंद्र या भर्तरी दोनों में से कोई एक है, क्योंकि ये दोनों ही न्यायप्रिय व शूरवीर है। नहीं मंत्री जी, हम अपने छोटे पुत्र को अत्यधिक प्रेम करते हैं और हम पूर्व में वचन भी दे चुके हैं, अतः युवराज तो वही बनेंगे। लेकिन महाराज, ये तो शुभ और हरि दोनों के साथ अन्याय होगा, और क्या प्रजा आपका ये निर्णय स्वीकार कर पाएगी? नहीं महाराज, आपके दोनों ज्येष्ठ पुत्र हर प्रकार से उत्तराधिकारी बनने के योग्य है, और अयोग्य को शासन देना प्रजा कभी स्वीकार्य नहीं कर पाएगी। और यदि दोनों ज्येष्ठ पुत्र ही न रहे तो? क्षमा करें महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। मंत्री जी, जब तक शुभ और हरि जीवित हैं तब तक मेरा छोटा पुत्र राजा नहीं बन सकता, परंतु दोनों को समाप्त कर दिया जाए फिर तो कोई अड़चन नहीं होगी ना। ये कैसी बातें कर रहे हैं महाराज, ये तो घोर अनर्थ है। आपका एक पुत्र के प्रति अतिराग ठीक नहीं,
एक राजा के लिए तो सबसे महत्वपूर्ण उसका राज्य, उसकी प्रजा होती है महाराज। और राज्य हित तो शुभ चंद्र के राजा बनने से ही होगा, अन्यथा सर्वनाश होगा महाराज, सर्वनाश। मंत्री जी, मैं जैसा कहता हूं वैसा करो, अन्यथा मुझे किसी अन्य मंत्री की नियुक्ति करना होगी, पश्चात तुम्हें काला पानी भुगतना होगा। सोच लो तुम्हें क्या करना चाहिए, मेरे राज्य का मंत्री पद या कैदी बनकर तिरस्कार। नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ ना करें, ये राज्य हित नहीं है, ये राज्य हित नहीं है, ये राज्य हित नहीं है। क्या हित है और क्या अहित हम अच्छी तरह से जानते हैं, और अब तुम हमें बताओगे कि राजनीति कैसे संचालित हो। यदि सम्मान पद पर बने रहना चाहते हो तो जैसा हम चाहते हैं वैसा करो, शीघ्र ही दोनों कुमारों को जंगल में ले जाकर उनका वध कर दो। हम कह देंगे किसी शत्रु ने ऐसा किया है। जाओ, शीघ्रता करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा। राजा की आज्ञा के समक्ष मंत्री जी विवश थे। मंत्री जी करे भी तो क्या करे, राज आज्ञा का उल्लंघन करके दंड भी भुगतना नहीं चाहते थे और दोनों राजकुमारों के प्राण भी बचाना चाहते थे। तब शोक संतप्त मंत्री दोनों राजपुत्रों के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाते हैं और कहीं दूर जाकर अज्ञातवास में रहने की युक्ति भी सुझाते हैं। ओह, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है, महाराज मोहवश अपने ही पुत्रों के हत्यारे हो गए, अब क्या किया जाए, मैं कैसे इन शूरवीर योग्य कुमारों की हत्या कर सकूंगा, मेरे तो शरीर में जैसे प्राण ही नहीं है। क्या कोई उपाय नहीं हो सकता कि इन दोनों के प्राणों की रक्षा हो सके। कोई न कोई उपाय तो अवश्य होगा, मुझे कुछ सोचना होगा। चातुर श्रेष्ठ, अमात्य अधिपति के चरणों में शुभचंद्र का प्रणाम स्वीकार्य हो। प्रणाम मंत्रीवर। मुझे क्षमा करो कुमार, क्षमा करो, मैं तुम्हारे इस सत्कार का अधिकारी नहीं हूं, मैं आपके इस राज्य का अपराधी हूं। क्या हुआ, क्या हुआ अमात्य, कृपया विस्तार से बताएं। और आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आप हमारा अहित कर दें और हमें आभास तक न हो, आपकी पहलीवत वार्ता मेरी बुद्धि से परे है, कृपया स्पष्ट बताइए क्या हुआ है। महाराज ने मुझे आप दोनों को जंगल में ले जाकर आपकी हत्या करने का आदेश दिया है। क्या मंत्री जी, आप राज्य में सम्मानित हैं, आपको असत्य कथन करना शोभा नहीं देता, अगर ये उपहास है तो ऐसा उपहास मुझे प्रिय नहीं, कृपया आगे से इसका ध्यान रखा जाए। मैं सत्य कह रहा हूं कुमार, ऐसा उपहास करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है और मेरे पद की मर्यादा के अनुरूप भी नहीं। मैं तो स्वयं अचंभित हूं कि केवल आपके अनुज को राजा बनाने की लालसा में महाराज आपकी हत्या कराना चाहते हैं। ठीक है मंत्री जी, अब हमारा यहां रुकना अनुचित है। अरे जब प्राण प्रदाता ही प्राण हरने को आतुर हो तब यहां रुकने का
हमारा क्या प्रयोजन? हाँ भ्राता, अब हम यहां नहीं रुक सकते। हाँ कुमार, आप तो बुद्धिमान एवं शूरवीर हैं, किंतु धिक्कार है इस मोह को जो आपके पिता आपकी महानता और शूरवीरता को देख नहीं पा रहे हैं। अब आप शीघ्र ही कहीं दूर चले जाओ। पर हाँ, कुछ समय के लिए गुप्त भेष में ही रहना। अब चलते हैं मंत्री जी। संसार की असारता को जानकर दोनों भाई को वैराग्य के भाव उत्पन्न होने लगे और शांत भाव से उचित स्थान की खोज करते हुए अन्य नगर में जा पहुंचे। भैया, अब मैं थक गया हूं, हमें कहीं विश्राम के लिए रुकना चाहिए। हाँ ठीक कहते हो, वो देखो कुछ दूरी पर मंदिर दिखाई दे रहा है, हम वहीं पर विश्राम करेंगे। इस संसार में सर्वश्रेष्ठ सुख आत्मीय सुख ही है। देह और पांचों इंद्रियों के विषयों में सुख मानना भ्रम ही है। इसी कारण से हम सभी अनंत काल से भव भ्रमण कर रहे हैं। देह अपवित्र है और पांचों इंद्रियों के विषयों में, उनकी लोलुपता में, देह में एकत्व करना, ये हमारा भ्रम है। और जो इनके प्रति सुख बुद्धि उत्पन्न होती है, वह भी वास्तव में भाव बढ़ाने की ही रीति और संतति है। इसी कारण से हम सभी अनंत काल से ये भाव भ्रमण कर रहे हैं। जब ये भ्रांति टूटेगी, तभी हम भाव भ्रमण से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी प्राणियों को देह में एकत्व छोड़ना और पंच इंद्रियों के विषयों में सुख मानना छोड़ना ही होगा, तभी हम सच्चा सुख, आत्मिक सुख प्राप्त कर सकेंगे। आचार्यों ने यही हमें सदुपदेश दिया है। हम सभी निरंतर आत्मा में एकत्व लाएं और देह से विभक्त बुद्धि अपने अंदर कायम करें और पंचेंद्रिय के विषयों से विरक्तता लाएं, तभी हम मोक्ष मार्ग में आरूढ़ हो सकते हैं। भैया, ये ज्ञानी क्या कह रहे हैं? मैं तो ये सब नहीं मानता। भला ऐसा भी होता है कि तीव्र तृष्णा लगे और जल से हम उसे शांत करें
और इस सब में सुख का अनुभव ही नहीं हो। सीधी सी तो बात है भैया कि तृष्णा लगने से उत्पन्न हुआ दुख जल पीने से समाप्त होगा, वही सुख है। नहीं भाई, आपका कथन व तर्क मिथ्या है। अगर तृष्णा का मिटना सुख है तो वह पुनः जागृत होगी, तब फिर से दुख होगा और उसे शांत करने के लिए शीतल जल की तलाश करना होगी। यह तो दुख ही हुआ ना भाई। सुख तो वह है कि एक बार उत्पन्न हो तो फिर कभी समाप्त हो ही नहीं। नहीं भ्राताश्री, मुझे तो आपकी कोई भी बात समझ में नहीं आ रही। अगर दुख नहीं होगा तो सुख का अनुभव भी नहीं होगा। चलो आपकी बात मान भी लें तो ऐसा सुख कैसे प्राप्त होगा जो कभी समाप्त ही ना हो। भाई, अधिक तो मुझे भी अभी ज्ञात नहीं, परंतु एक बार दिगंबर मुनिश्री के उपदेश में मैंने सुना था कि भयभीत है यदि चतुर्गति से त्याग दे प्रभाव को, परमात्मा का ध्यान कर तो परम सुख की प्राप्ति हो। अर्थात देहादि से भिन्न अपने शुद्धात्मा की पहचान करो, परमात्मा का ध्यान करो तो सच्चा सुख प्राप्त होगा। पर भैया, मुझे तो आत्मिक सुख और उसके साधन में किसी भी प्रकार की श्रद्धा नहीं है, ये तो आप ही जानो। मैं तो बस इतना जानता हूं कि रत्न, विशाल महल, धन आदि ही सुख के कारण है, और ये सब मेरे पास आज नहीं है तो मैं दुखी हूं, बस। नहीं भाई भर्तरी, जिन साधनों में तुमने सुख की कल्पना की है यह केवल भ्रम मात्र ही है। तो ठीक है, भ्रम ही सही, मैं उसी में प्रसन्न रहूंगा। भ्राताश्री, मेरी राह अलग और आपकी राह अलग। अब मैं जा रहा हूं अपने सुख की तलाश में, और आप अपना सुख खोजो। देखते हैं सुख किसको मिलता है। अब मुझे आज्ञा दें। प्रणाम भ्राताश्री। नहीं भाई नहीं, रुको रुको भाई, नहीं भाई रुको रुको भाई, नहीं, तुम जिसे वैराग्य समझ रहे हो, सुख समझ रहे हो, यह मिथ्या है, भ्रम है। रुको भाई रुको। और इस तरह दोनों भाई शुभचंद्र और हरि अपने भिन्न भिन्न धर्म की राह पर चल पड़े। हरि भटकते भटकते कुगुरुओं की संगत में चला जाता है, और उसके पश्चात आइए हम देखते हैं क्या हुआ। अरे ये कौन है? वेशभूषा से तो कोई साधु महात्मा लगते हैं। प्रणाम गुरुदेव। सदैव सुखी रहो। कौन हो तुम और कहां से आए हो? अरे गुरुजी, मुझे तो ये कोई गुप्तचर लगता है, कहीं हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। हाँ गुरुजी, और इसकी हालत तो देखो, लगता है कई दिनों से इसने कुछ भी नहीं खाया है,
ये अवश्य ही किसी राज्य से भागा हुआ कैदी है। हाँ सही है भाई, हाँ। सही है, ये तो कैदी ही है। गुरुजी, हमें शीघ्र ही इसे सेनापति को सौंप देना चाहिए, नहीं तो हमें ही दंडना भुगतना पड़ जाए। सही है भाई, हमें शीघ्र ही इसकी सूचना सेनापति जी को देनी चाहिए। मैं भी जाता हूँ। रुको रुको, मैं भी चलता हूँ। नहीं भाई रुको, मैं कोई गुप्तचर या शत्रु नहीं हूँ, मैं तो सामान्य नागरिक हूँ। नहीं, हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते, हमें क्या पता कि तुम सत्य कह रहे हो या असत्य कह रहे हो। सेवक रुको, कौन हो बालक? मुझे तो तुम अपराधी नहीं लगते। नहीं गुरुजी नहीं, मैं अपराधी नहीं, मैं तो घर संसार छोड़कर आया हूं और आप जैसे योग्य गुरु की खोज कर रहा हूं। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? क्या कहा? शिष्य? अरे हमारे जैसे बुद्धिमान कई वर्षों से गुरुजी की सेवा कर रहे हैं। गुरुजी ने हमें तो शिष्य बनाया नहीं, और तू शिष्य बनने चलाया। सेवक बहुत हुआ। बालक तुम्हारा नाम क्या है? भर्तहरी, भर्तहरी नाम है मेरा गुरुजी। सुंदर, अति सुंदर, मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। बालक तुम पहले भोजन करके विश्राम करो। सेवक हरि के लिए भोजन और विश्राम की व्यवस्था करो। जो आज्ञा गुरुजी। पर मैं कहता हूं इस पर विश्वास करना ठीक नहीं है। सेवक तुम्हें जो कहा गया है वही करो। जी गुरुजी। और इस तरह भर्तहरि कुगुरुओं की संगति पाकर उनका अनुयायी बनकर वहां सुख सुविधा प्राप्ति की इच्छा से उनका भक्त बन गया। इधर शुभचंद्र जी को तो संयमित जीवन ही प्रिय था। वे अपने त्रिकालिक तत्व को ही दृष्टिपथ रखकर संसार की अस्थिरता जानकर संसार से उदास और मोक्ष स्वरूप सच्चे सुख की तलाश में उद्यमी रहते थे। एक दिन शुभचंद्र जी की आध्यात्मिकता को भी अवसर मिल ही गया। खेलत फाग महामुनि वन में, स्वातम रंग सदा सुखदाई। खेलत फाग महामुनि वन में, स्वातम रंग सदा सुखदाई। अरे मित्र क्या बात है, आज तो तुम्हारा चित्त वैराग्य से ओतप्रोत दिखाई पड़ रहा है। हाँ मित्र, आज तो मैं माला माल हो गया भाई, माला माल। अच्छा ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है, हमें भी बताओ भाई, थोड़ा हम भी धनवान हो जाएं। अरे भाई हमारे नगर में मुनिराज पधारे हैं, परम शांत मुद्रा के धारी, वैराग्य मंडित आत्म रूप में मग्न दिगंबर जैन मुनि के दर्शन करते ही हृदय आनंद से विभोर हो गया, मानो जैसे मोती बनने योग्य सीप को स्वाति नक्षत्र में जल वर्षा मिल गई हो। अरे वाह, हमें भी उन मुनिराज के पास ले चलो भाई, उनके दर्शन पाकर मैं भी अपना जीवन धन्य करूंगा। अवश्य, मैं तुम्हें मुनिराज के दर्शन अवश्य कराऊंगा, तो चलो मेरे साथ। खेलत फाग महामुनि वन में, स्वातम रंग सदा सुखदाई।
नमोस्तु गुरुवर। धर्म वृद्धि हो। गुरुवर के चरणों में शुभ चंद्र का त्रिबार नमन हो। आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। गुरुवर, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं, कृपया कर आप अपने उपदेश से आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। हे भव्य आत्मा, सुनो, मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन है। सम्यक तो के बिना जीव चारों गतियों में भटकता रहता है। संसार दुख से संतप्त प्राणियों का भावाताप सम्यक दर्शन रूपी जल से समाप्त हो जाता है। ये जो मनुष्य पर्याय हम सबको प्राप्त हुई है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। तू तो शरीर से भिन्न चैतन्यमय आत्मा है। आत्मा को जाने बिना तुमने अनेक भवों में कई दुख भोगे हैं, इसलिए अब आत्मा के स्वरूप को समझो। राग और ज्ञान को एक रूप अनुभव करने के
इस अविवेक का त्याग करो। सदा उपयोग रूप स्वद्रव्य ही मेरा है, ऐसा अनुभव करो। उससे तुम्हें अति आनंद की प्राप्ति होगी। हे जीव, तू निकट भव्य है, इसीलिए आज ही ऐसा अनुभव करो। अहो अहो गुरुवर, मैं धन्य हुआ, मानो अमृत का सागर मेरी आत्मा में लहरा रहा हो। पर भावों से भिन्न सच्चे सुख का अनुभव मेरी आत्मा में हो रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे अनंत भवों की थकान आज समाप्त हो गई। मैं धन्य हुआ गुरुवर, मैं धन्य हुआ। हे गुरुवर, मुझे अब विषमताओं को नष्ट करने वाली निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा देने का अनुग्रह कीजिए। मैं जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूं गुरुवर। मेरी यह विनंती स्वीकार कीजिए गुरुवर। और इस प्रकार शुभचंद्र जी राजपुत्र न रहकर निर्ग्रंथ साधु परमेष्ठी की श्रेणी में जा विराजे, अर्थात जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की। और अब योगी राज शुभचंद्र जी अपनी आत्मा के ध्यान में लीन हो गए। उन्हें कई रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई। इधर भर्तहरि कई वर्षों तक अपने गुरु से वनस्पति रसायन विद्या सीखकर उनसे अलग हो गया। और एक दिन उसने स्वर्ण बनाने के रसायन की सिद्धि भी कर ली। मैंने कर दिखाया, मैंने सिद्ध कर लिया है रसायन। ऐसा रसायन जो तांबे पर पड़ते ही उसे स्वर्ण का बना देगा। अब मैं बनूंगा विश्व का सबसे अधिक धनवान व्यक्ति। सारे राजा महाराजा, सारी प्रजा मेरे आगे मस्तक झुकाए खड़ी रहेगी। धन्य हो। अरे गुरुजी, वास्तव में आपने तो कमाल कर दिया। आप महान हैं गुरुजी। धन्य हो गुरुजी, धन्य हो। अब तो हमारे गुरुजी संसार के सबसे धनवान व्यक्ति हो गए। अब तो हमारे पास धन धान्य सोना चांदी अरे भंडार भरे हैं। जय हो, जय हो, जय हो गुरुजी, आपकी जय हो। हमारे जैसे शिष्य पाकर आप धन्य, आप जैसे गुरु को पाकर हम धन्य हो गए। कहा है आपके चरण। जय हो गुरुजी, आपकी जय हो। अरे मैंने तो ये स्वर्ण रसायन की सिद्धि कर ली है, पर न जाने मेरे भ्राता किस हाल में होंगे। उन्हें तुरंत ही खोजना होगा। सेवक सुनो, यहीं कहीं इसी राज्य में या किसी भी राज्य में मेरे भ्राता होंगे, तुरंत उनकी तलाश शुरू करो और शीघ्र से शीघ्र मुझे सूचित करो। जाओ। पर गुरुजी, हम उन्हें खोजेंगे कैसे? हम उन्हें जानते नहीं हैं। अरे हमने उन्हें कभी देखा भी तो नहीं। अब आप ही बताएं, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे? अरे उन्हें पहचानना कठिन नहीं होगा। कुछ कुछ वो मेरी तरह ही दिखते हैं। अरे मेरे भ्राता जो हैं, और हाँ वे सदैव शांत स्वभावी रहते हैं, किंतु थोड़े हटी हैं, निर्भीक भी, संयमित जीवन जीने वाले, सीधे सरल हैं। जाओ,
तुम उन्हें आसानी से खोज लोगे। बस 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 गुरुजी, आपके साथ रहते रहते हम भी समझदार हो गए। समझ गए हम। अब देखिए देखिए गुरुजी, कैसे हम पलक झपकते ही आपके भ्राता श्री को तलाश लेंगे। तो गुरुजी अब हमें आज्ञा दीजिए। शीघ्र अपने मनोरथ को पूर्ण कर लौट आना। अब जाओ। गुरु की आज्ञा पाकर दोनों ही शिष्य शुभ चंद्र की खोज में निकल जाते हैं। अरे भाई, ये गुरुजी के भ्राता तो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे। अरे भटकते भटकते अब तो मैं ही भटक गया हूँ, स्वयं का नाम तक याद नहीं रहा। अरे शुभचंद्र जी, कहाँ हो? शुभचंद्र जी, अरे कहाँ हो? आपको खोजते खोजते आंखें भी थक गई, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे धरती से आसमान और आसमान से पाताल तक खोद डाला, खोजते खोजते अरे कहाँ हो शुभचंद्र जी, अरे कहाँ हो? अरे भाई, अरे अरे रुको भाई, रुको। कहो भाई, क्या बात है? अरे भाई, हमें किसी शुभ चंद्र की तलाश है। वे शांत स्वभावी, संयमी और निर्भीक हैं। क्या आपने ऐसे व्यक्ति को कहीं देखा है? अगर कहीं देखा हो तो कृपा कर हमें बता दीजिए भाई साहब। कौन? शुभ चंद्र जी? कहीं आप आचार्य शुभ चंद्र जी की बात तो नहीं कर रहे हैं? हाँ हाँ, वही वही। अरे आप जानते हैं शुभ चंद्र जी को? वही आचार्य शुभ चंद्र जी, आप जानते? अरे कहाँ मिलेंगे? आपकी बड़ी कृपा होगी बंधु। बताइए बताइए कहाँ मिलेंगे? जल्दी बताओ भाई, कहाँ मिलेंगे शुभ चंद्र जी? आचार्य तो पास के ही जंगल में ध्यान में लीन है। ये यहीं से रास्ता जाता है, सीधे जाकर दाएं मुड़ जाना, वहीं छोटी पहाड़ी पर आपको आचार्य जी के दर्शन हो जाएंगे। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे आप नहीं मिलते तो पता नहीं हमारा क्या होता। अरे शुभचंद्र जी, अब तो आप हमसे दूर नहीं रह सकते। अब हम आपके पास आ रहे हैं। ये आए, ये आए। दोनों शिष्य जब शुभ चंद्र को दिगंबर मुनि अवस्था में देखते हैं तो उन्हें निर्धन दुखी समझकर वे भी दुखी होते हैं। अब उन्हें कौन समझाए कि योगी राज शुभ चंद्र तो प्रचुर आनंद में मगन मोक्ष लक्ष्मी की साधना में लीन है। अरे अरे, ये क्या? देखो तो, मैं ये क्या देख रहा हूं? हाँ, देख रहा हूं मित्र, मैं भी वही देख रहा हूं जो तुम देख रहे हो। देखो तो प्रभु की लीला। एक भाई तो स्वर्ण के खजाने का स्वामी और दूसरा भाई दरिद्र। अरे शरीर छुपाने को कपड़े तक नहीं। कैसी लीला है प्रभु? लगता है शुभ चंद्र जी तो बहुत ही निर्धन है। शीघ्र ही, अरे शीघ्र ही यह समाचार हमें गुरु जी को देना होगा भाई। हाँ हाँ मित्र, जल्दी चलो, गुरु जी को समाचार देते हैं। अहो, देखो अज्ञानी की दशा। आचार्य की आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में ज्ञान आनंद का सुख सागर लहरा रहा है। स्वरूप संपदा से परिपूर्ण आचार्य श्री शुभचंद्र जी इनको निर्धन दिखाई दे रहे हैं। और तब दोनों सेवक शीघ्र ही भर्तहरि के पास जाकर शुभचंद्र जी का सारा वृत्तांत सुनाते हैं।
ध्यान मग्न है भाई। अरे तुम ही इन्हें ध्यान से जगाओ, मेरा तो सामर्थ्य नहीं इन्हें ध्यान से जगाने का। गुरुजी का ध्यान तोड़ना? नहीं नहीं भाई, मेरी इतनी सामर्थ्य कहाँ है जो मैं महायोगी की साधना में बाधा बनूं। इस कार्य में तो मित्र तुम मुझसे अधिक निपुण हो और तुम मुझसे अधिक ज्ञानी भी हो, यह अधिकार तो आपको ही है। आप ही गुरुजी का ध्यान भंग करें, जय हो आपकी। क्या कहते हो, मैं तुमसे अधिक ज्ञानवान हूं? क्या क्या मैं तुमसे अधिक बुद्धिमान हूं? सच कहते हो? हाँ, अरे बुद्धिमान है आप और नहीं तो क्या। मैं तो महामूर्ख हूं। मैं तो कहता हूं गुरुजी भी ज्ञान के मामले में तुमसे पीछे है, तभी तो गंभीर विषय की चर्चा सिर्फ तुम्ही से करते हैं गुरुजी। ऐसी बात है तो मैं ही गुरुजी को ध्यान से जगाऊंगा। तुम थोड़ा पीछे हट जाओ और देखो मैं क्या करता हूं। गुरुजी, 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 गुरुजी। कौन है मूर्ख? ओह सेवक, ये कैसा दुस्साहस है तुम्हारा? गुरुजी, गुरुजी, क्षमा कर, क्षमा करे गुरुजी, मेरा कोई दोष नहीं गुरुजी। क्षमा करे गुरुजी, हम आपके लिए दो सूचनाएं लाए हैं, एक खुशी की है और दूसरी शोक की। गुरुजी पहले कौन सी बताऊं? मैंने तुम्हें अपने भ्राता को खोजने भेजा था, उस संबंध में कोई सूचना हो तो कहो, अन्यथा इस दुस्साहस का परिणाम प्राप्त करो। गुरुजी, गुरुजी आपके भ्राता का ही समाचार है, उनकी 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 स्थिति बड़ी दयनीय है गुरुजी, अब से तो देखा ही नहीं गया, क्या बताए। हाँ गुरुजी, अरे बड़ी दयनीय स्थिति है, उनके पास पहनने को वस्त्र ही नहीं और उनकी सेवा में कोई सेवक ही नहीं, रहने के लिए कोई घर ही नहीं गुरुजी, बड़ी दयनीय स्थिति है। कहाँ आपके पास स्वर्णों का भंडार और कहाँ आपके भ्राता श्री, दरिद्र, कुछ समझ नहीं आता गुरुजी। क्या मेरे भ्राता ऐसी स्थिति में? ओह धिक्कार है, धिक्कार है मेरे इस वैभव को जो मेरे भ्राता के काम ना सके। मेरे पास स्वर्ण सिद्धि रसायन और भ्राता श्री के पास तन पर कपड़ा तक नहीं। सेवक शीघ्र ही मुझे भ्राता श्री के पास ले चलो, ये स्वर्ण सिद्ध रसायन देकर मैं उन्हें भी मेरे समान धनवान बना दूंगा। चलो शीघ्रता करो। जी गुरुजी चलिए, हम अभी ही प्रस्थान करते हैं। धन संपत्ति और राजपद ज्ञानी को राख समान, अज्ञानी या में सुख खोजते दूर रहे निज आत्म राम। और भर्तहरि अपने सेवकों के साथ आचार्य शुभचंद्र जी के पास जाते हैं, जहां आचार्य अपने ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की साधना में लीन हैं। अरे गुरुजी, गुरुजी वो रहे आपके भ्राता श्री, देखिए देखिए आपके भ्राता श्री। गुरुजी यही है ना आपके भ्राता श्री, यही है ना, देखिए देखिए कितनी दयनीय स्थिति में विराजमान है,
देखिए मुझसे तो देखा भी नहीं जाता। हाँ, यही है मेरे ज्येष्ठ भ्राता। भ्राता श्री, आप कहाँ थे? मैंने आपको कहाँ नहीं खोजा, और आज आप मिले तो इस अवस्था में। किंतु भ्राता श्री, अब चिंता की कोई बात नहीं, मैं आ गया हूं। अब आपके बुरे दिन हवा हुए। देखिए भ्राता श्री, मैंने ये रसायन सिद्ध किया है। रसायन? क्या है ये रसायन? भ्राता श्री, ये कंचन रसायन है, कंचन रस। जैसे ही इस रस का तांबे से स्पर्श होगा, उसी क्षण तांबा स्वर्ण रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और ये बड़ा ही कीमती रसायन है भ्राता श्री। आइए भ्राता श्री, अब आप मेरे साथ लौट चलिए। जैसे ही मैंने सुना कि आप एकाकी, असहाय और अनाथ हैं, वैसे ही मैं आपके पास दौड़ा चलाया आपको लेने के लिए। भ्राता श्री, अब आप निर्धन नहीं हैं, हमारे पास ये सिद्ध रसायन है। मैं इसे आपको भेंट स्वरूप प्रदान करता हूं। आइए भ्राता श्री, अब मेरे साथ लौट चलिए। अच्छा, यह रसायन कंचन रस है, तो इसके संपर्क में आने से वस्तु स्वर्ण की हो जाती है। देखो, यह तो स्वर्ण में परिवर्तित नहीं हुआ। भ्राता श्री, पत्थर नहीं, तांबा सोना बनता है, और ये आपने क्या कर दिया? 12 वर्षों तक गुरु की सेवा करने पर इस रसायन की सिद्धि का मंत्र पा सका था, और ये अति दुर्लभ वस्तु ना आपके काम आई और ना मेरे काम आ सकी। भ्राता श्री, ये क्या कर दिया आपने? है ज्ञानी, राज्य लक्ष्मी का परित्याग कर हमने वैराग्य धारण करके अपना अपना धर्म मार्ग अपनाया था, परंतु यह क्या, तुम तो पुनः लोभ के माया जाल में फंस गए। तुम्हें स्वर्ण का इतना लोभ? अरे, तुम्हारे पास तो इससे भी कहीं अधिक कभी ना क्षय होने वाली आत्मलक्ष्मी है। हे जीव, अपने आत्म वैभव को पहचान। अब तो अपने अज्ञान का त्याग कर। आप जिसे वैराग्य समझ रहे हैं, यह वैराग्य नहीं, आपका दंभ मात्र है। हे भोले जीव, धर्म के नाम पर अनंत भव में कई बार ऐसे स्वांग कर चुके हैं, परंतु सदैव मलिन ही रहे। पवित्र होने का उपाय तो अपूर्व है, स्वयं की आत्मा के अवलंबन से भेद विज्ञान कर और स्वसम्मुख ज्ञाता बनकर अपूर्व धैर्य को धारण करो। हे जीव, यदि तुझे स्वर्ण की ही चाह है, तो लो, कितना स्वर्ण चाहते हो, परंतु देह वियोग पश्चात सारे संयोग तुमसे पृथक हो ही जाएंगे। फिर क्या, पुनः संसार का दुख। ये लो, कितना स्वर्ण चाहिए। ये क्या, मात्र आपके चरणों की धूल से पूरी चट्टान स्वर्ण की हो गई, और मैं मूर्ख अपने स्वर्ण रसायन का अभिमान लिए बैठा था। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। हे मुनिराज, मुझे क्षमा कर दे। मैं आपके तपोबल की पवित्रता और पुण्य की अचिंत शक्ति को पहचान नहीं पाया। आपके चरण की रज मात्र से सारा पत्थर सोना बन गया, और मैं अब
तक पराधीनता में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था, परंतु अब समझ में आया कि मिथ्यात्व ही सबसे बड़ा पाप है। मैंने स्वयं के स्वरूप को पहचानने में बड़ी भूल की, किंतु अब कर्म बंधन से स्वाधीनता ही प्रथम लक्ष्य है। धन्य है गुरुदेव, धन्य है आपकी सम्यक रत्नत्रय रूप तपस्या, धन्य है आप गुरुवर शुभचंद्र आचार्य, धन्य है। मुझ डूबते हुए को उबारिए महाराज, मैं स्वयं को आपकी चरण शरण में अर्पित करता हूं। मुझे भी आपके समान निर्ग्रंथ जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिए। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और इस प्रकार आचार्य शुभचंद्र जी ने भर्तहरि के मिथ्यात्व रूपी अंधकार को समाप्त करने के लिए ज्ञानार्णव ग्रंथ की रचना की, जिससे भर्तहरि ने अपने सच्चे स्वरूप की पहचान कर आत्मा की साधना में लीनता को प्राप्त किया। हम भी अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर अपनी आत्मा का कल्याण करें। जय जिनेंद्र।